गोड्डा विधानसभा के बसंत राय प्रखंड क्षेत्र में अभी भी लोग मूलभूत सुविधाएं से वंचित हैं, जहां आजादी से लेकर अभी तक ग्रामीणों को सड़क नसीब नहीं हो पाने के कारण कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बीमार पड़ने के बाद लोगों को खाट के सहारे अस्पताल पहुंचाया जाता है, यानी कुल मिलाकर विकास के नाम पर 0/0 है। क्या डीलर साहब, आपका रोड ही देख रहे हैं पूरा एकदम खराब है, नहीं बना है क्या अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं बना है। अच्छा, पिछले 5 साल में अभी कभी अमित मंडल को सब चीजों की चर्चा की है क्या? क्या चीज? अमित मंडल से जो विधायक था आपका, सिटी विधायक, उससे कभी सब के चर्चा किए हैं? हाँ, चर्चा तो बहुत बार हुआ है, यहाँ के ग्रामीण किए हैं। हम तो ग्रामीण नहीं, मेरा घर परबत्ता है और जनवितरण प्रणाली हम यहाँ के हैं। आने जाने में परेशानी होता है ना? बहुत परेशानी होता है। बरसात के दिन में अगर कोई 4-व्हीलर तो गाँव आता है? नहीं नहीं नहीं। अभी भी लोग काफी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। हम एक और लोगों से जानने की प्रयास करेंगे कि क्या कुछ है यहाँ पे, इस रोड में जाने आने में क्या तकलीफ होती है। कि भैया, क्या नाम हुआ आपका? सुरजीत कुमार। अच्छा, ये रोड में जाने में कितना दूर तक, कहाँ घर पड़ता है? भट्टा पड़ता है मेरा घर। अच्छा, रोड जाने में परेशानी होता है? परेशानी तो बहुत होता है। बरसात के दिन में कैसे आते जाते हैं? बंद करिए, बरसात के दिन में कैसे आते जाते हैं? बरसात के दिन ऐसे ही देखा ना, धक्का उक्का लगा के मोटर के जाना पड़ता है, इसे पार करना। इसके अलावा और इस गांव में जाने का कोई रास्ता नहीं? अगर 4 चक्का से आना जाना हो तब नहीं जा पाएगा? कोई बीमार पड़ जाता कोई भी नहीं जा पाएगा, यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। हाँ, खटिया पे, खटिया पे टांग के मोहम्मद अंसार खान। अच्छा, ये मेन रास्ता से यही एक रास्ता है क्या आने जी जी? कौन सा बस्ती है ये? कासिम विधानसभा गोड्डा है, विधानसभा जी। अच्छा, अभी जो आदमी अगर बीमार पड़ जाए कैसे लेके बाहर? उसको खाट पे लेके जाना पड़ता है, नहीं तो बाइक भी निकल नहीं सकता है। अच्छा, जानकारी मिल रहा है कि यहाँ लोग जो अभी भी जो कच्ची रोड है जी, ये भी अपने ही पैसा से निजी रूप से बनाया, पूरा गांव वाला बनाया है, सरकारी कोई सुविधा नहीं है? कुछ नहीं अभी तक। इतना मतलब देश कहाँ से कहाँ चल गया, लेकिन अभी तक गाँव से निकलने के लिए रास्ता तक नहीं बन पाया है? ऐसा कोई नहीं, कोई सरकार ध्यान भी नहीं दे रहे। इसके लिए तो कई आगे बात करता होगा गांव वाला? हाँ, आते हैं, बहुत बनाते हैं, न्यूज देखते हैं, सरकार भी देखते हैं, लेकिन ध्यान कुछ नहीं दे रहे। ध्यान कुछ नहीं, खाली आते हैं, बोर्ड बन जाएगा ये आपका, आप लोग बोर्ड दीजिए, चले जाते, जब जीत जाते देखने भी नहीं। बोकारो में ONGC ने भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना फिट इंडिया के तहत कई खेल प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम का आयोजन किया। सेक्टर 1 स्थित सेंट जेवियर स्कूल के खेल मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में ONGC के हेड आदित्य जौहरी समेत पदाधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्पॉन्सर्ड है, हम लोग ONGC बोकारो एसेट, हम लोग सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, सारे एम्प्लॉयज और उनकी फैमिली मेंबर्स और बच्चे। जैसा आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी भीड़ है, सुबह सुबह संडे के दिन लोग अपना वक्त निकाल के आए हैं, और इससे हम सबको एक संदेश मिलता है जो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी एक विजन है कि फिट इंडिया अगर है, फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसकी जागरूकता का एक ये पहलू है। और हम सब लोग बड़े जोश के साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं और बच्चों के साथ मिलकर आज हम लोग ये फिट इंडिया का जो प्रोग्राम है कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इससे जागरूकता बढ़ेगी और जो लोगों में रहेगा एक तरीके का, जिसे कहा जाए, जोश आएगा कि वो लोग अपने को फिट रखने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इसमें एक अच्छी चीज़ है, एक फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन ऐप जो है, उसको डाउनलोड करके आप अपनी फिटनेस को क्वार्टरली बेसिस पे चेक कर सकते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्पॉन्सर्ड है, हम लोग सब लोग ONGC बोकारो एसेट, हम लोग सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं।